तो आप सभी का स्वागत है फ्रांस आई एस अकेडमी में। तो आज हम समझेंगे कि जो हमारा मेंस में जो चार जीएस के पेपर होते हैं, GS1, GS2, GS3, GS4, तो उसमें GS2 जो होता है, जो कि पांच पोर्शंस को कवर करता है, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन पॉलिटी, इसके अलावा फिर गवर्नेंस वाला पोर्शन, इंटरनेशनल रिलेशन और फिर सोशल जस्टिस। तो ये टोटल पांच पोर्शंस हैं जो GS2 में हमारे इंक्लूड होते हैं। तो आज मैं आपको पूरा सिलेबस समझाऊंगा, एक तरह से ओवरव्यू दूंगा कि किस तरह से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला पोर्शन है वो क्या क्या चीज़ें कवर करता है। ठीक, पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी वाला पोर्शन है इसको मैं पढ़ाऊंगा, तो इसके लिए थोड़ा हमें ओवरव्यू एक होना चाहिए कि क्या क्या हमारा सिलेबस का पार्ट है, क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। ठीक, तो हमको यही नहीं पता होता कि कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो मैं जल्दी से ओवरव्यू आपको देने का प्रयास करता हूँ कि क्या क्या टॉपिक्स हैं जो कि हम एक इंक्लूड कर सकते हैं, इंक्लूड करते हैं GS2 में, मतलब पॉलिटी और कॉन्स्टिट्यूशन वाले सेक्शन में। ठीक, इसके बाद फिर हम आगे गवर्नेंस पोर्शन करेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन अलग करेंगे और सोशल जस्टिस को अलग करेंगे। तो सबसे पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री देखते हैं, जहाँ पर हमारे रेगुलेटिंग एक्ट आ जाएगा 1773 का, फिर उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट आ जाएगा 1784 का, फिर चार्टर एक्ट की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, चार्टर एक्ट 1793, फिर 1813, फिर 1833, फिर उसके बाद 1853 में भी चार्टर एक्ट आता है। फिर हम इसमें देखते हैं किस तरह से ग्रेजुअल चेंज आ रहा है, पहले लॉर्ड जो गवर्नर होता है वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता है, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है, फिर उसके बाद हमारा इंडियन इंडिपेंडेंट, हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 आता है, जहाँ पर जो पावर होती है हमारी इंडिया की वो ब्रिटिश क्राउन के अंडर में आ जाती है और वाइसरॉय और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का यहाँ पर ऑफिस इस्टेब्लिश हो जाता है। इसके बाद फिर हमारी हिस्ट्री और बढ़ती है, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, जहाँ हम देखते हैं फिर इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, फिर उसके बाद 1892 और फिर 1909, जो कि एक हिस्टोरिकल चेंज लेकर आता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के साथ, जहाँ पर कॉम्युनल इलेक्टोरेट स्टार्ट किया जाता है, जो कि लॉर्ड मिंटो यहाँ पर करते हैं और वो फादर ऑफ कॉम्युनल इलेक्टोरेट कहलाए जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे मॉन्टेगू केलम्स फॉर्म रिफॉर्म 1919, जहाँ पर डायर्की सिस्टम स्टार्ट हुआ था, जो कि एक बहुत बड़ा फेल था। फिर 1919 में ये डिसाइड होता है कि 10 साल के बाद एक कमीशन अपॉइंट की जाएगी, जो कि हमारे को देखेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनली वर्क सही से हो रहा है इंडिया में, नहीं हो रहा, तो इसके रिलेटेड साइमन कमीशन अपॉइंट करते हैं 1927 में, 2 साल पहले। फिर उसके बहुत बड़े अलग रेपरकशन पड़ते हैं और सब लोग उसको इंडिया में अपोज करते हैं। फिर उसके बाद पूना पैक्ट कम्युनल इलेक्टोरेट से रिलेटेड 1932 में होता है, और फिर 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें कई सारे फेडरल स्कीम, फेडरल स्ट्रक्चर, जो भी हमने फेडरल जुडिशरी जो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिया है, ये सारी चीज़ हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगस्त ऑफ 1940, फिर 1942, फिर 1942 का क्रिप्स मिशन, फिर 1946 का कैबिनेट मिशन प्लान, और फिर हमारा स्टार्ट होता है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कैबिनेट मिशन प्लान से बनती है। फिर हम देखेंगे क्या वो सॉवरेन बॉडी थी या नहीं थी, ये सारी चीज़ हो जाएंगी। फिर हमारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947, उसके बाद हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो अभी तक हम जिसे बोल रहे थे कि वो सॉवरेन बॉडी नहीं है, फिर वो सॉवरेन बॉडी बन जाती है, क्योंकि वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आता है। फिर हम देखेंगे क्या प्रोसीजर थी, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो खाली कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम नहीं कर रही थी, एक तरह से वो पार्लियामेंट का भी काम कर रही थी, टेम्पररी पार्लियामेंट की तरह वर्क कर रही थी। डिफरेंस देखेंगे टेम्पररी पार्लियामेंट, इंटरिम पार्लियामेंट का और प्रोविजनल पार्लियामेंट का। इसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है जब इंडिया आज़ाद हो गया था, फर्स्ट इलेक्शन हो गए, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बन चुका था। फिर कॉन्स्टिट्यूशन की हम थोड़े देखेंगे क्या सेलियंट फीचर्स हैं, थोड़ा क्रिटिसिज्म भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। इसके बाद हम देखेंगे जो मेंस का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, यानी कॉन्स्टिट्यूशन होना है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है या फिर इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हम लिमिटेड गवर्नमेंट, अनलिमिटेड गवर्नमेंट, इसको देखेंगे, फिर सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेज वाला कंसेप्ट जो इंडिया में फॉलो होता है वो देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन जो है वो यहाँ तक आएगा। फिर थोड़ा और एलोबरेट करते हुए देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं, रिटेन और अनरिटेन। फिर इनके डिफरेंस देखेंगे, फिर इनके पर्सपेक्टिव में देखेंगे कि क्या फेडरल जो गवर्नमेंट होती है उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का रिक्वायरमेंट है या फिर यूनिटरी गवर्नमेंट में रिक्वायरमेंट है। तो यानी कि हम फेडरल गवर्नमेंट और यूनिटरी गवर्नमेंट, इन दो का अच्छी तरह से एनालिसिस करेंगे। फिर आगे बढ़ के हम समझेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम और फेडरल प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ जो गवर्नमेंट होती है, उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों का एनालिसिस करेंगे। बेसिकली हमारा एनालिसिस वाला जो पोर्शन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फिर एनालिसिस करते हुए हम समझेंगे कि क्या जो मतलब पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है वो जुडिशियल सुप्रीमेसी जो यूएसए में फॉलो होती है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है,
और हमारा जो रिपब्लिक, हमारी जो गवर्नमेंट है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम इंडिया में फॉलो होता है और जो यूके में पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वहां भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, यहाँ भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो ये सारा देखेंगे। तो इस तरह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है वो यहाँ से समाप्त हो जाएगा, फिर हमारा एक एक्चुअल पॉलिटी वाला जो पोर्शन है वो स्टार्ट होगा। फिर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 जो कि यूनियन ऑफ इंडिया एंड इट्स टेरिटरी की बात करता है, तो उसमें फिर और हम आगे बढ़ाएंगे चीजों को, वहां देखेंगे कि किस तरह से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 जो है उनके अंदर हम चेंज करते हैं, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं कहलाया जाता, वो कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज कहलाया जाता है, और उसको करने के लिए सिर्फ सिंपल मेजोरिटी की चाहिए होती है। और क्या हम कोई स्टेट का एरिया या फिर कोई स्टेट की बाउंड्रीज को चेंज कर सकते हैं विदाउट इवन आस्किंग पर्टिकुलर स्टेट, क्या उसके स्टेट का नाम चेंज कर सकते हैं, तो ये सारी चीज हमारी जो रहेंगी वो हमारी चीज रहेंगी आर्टिकल 2, 3 से रिलेटेड आर्टिकल 1, 4 मतलब 1 टू 4 में आएंगी। तो ये इन सब ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फिर हमारा सिटीजनशिप वाला पोर्शन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि पार्ट 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो वहां पर हम देखेंगे किस तरह से हम लोगों को सिटीजनशिप मिल सकती है, उसके 4-5 तरीके हैं कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय रजिस्ट्रेशन। तो ये सारी चीज जो है वो हम देखेंगे उसके अंदर, इनका एनालिसिस करेंगे, फिर हम ये देखेंगे कि जो हमारी सिटीजनशिप है वो किस किस तरीके से गवाई जा सकती है, जैसे कि रेनन्सिएशन, टर्मिनेशन, ये सारी चीजें देखेंगे। और सिटीजनशिप को और अच्छी तरह से एनालिसिस करते हुए एलोबरेट एनआरआई वाला जो कंसेप्ट है उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर हम आएंगे पार्ट 3 में, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और यूपीएससी इसके ऊपर फोकस करता है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। तो पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स को कवर करता है। तो सबसे पहले हम आर्टिकल 12 देखेंगे कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट क्या है, फिर 13, फिर डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स वाला जो कंसेप्ट है वो चीजें वो बाहर निकल कर आएंगी, उसको देखेंगे। फिर उसके बाद एक बहुत ही ज्यादा अच्छा कंसेप्ट है इक्वेलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के अंडर में जो आता है, जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं और हमको उसका जो बेसिक डिफरेंस होता है वो समझ नहीं आता, तो उसको समझने का प्रयास करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आपको एनालिसिस करते हुए, केस स्टडीज देते हुए समझाऊंगा मैं। फिर हमारा आर्टिकल 15 आएगा, उसमें हमें जो किसी भी सोसाइटी को हम बर्थ के बेसिस पे या फिर वुमेन और चिल्ड्रंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते, प्लेस ऑफ बर्थ, इन सब के जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको रोकने के लिए। फिर आर्टिकल 16 जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए, कि इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। फिर यहाँ पर हमारा एक डाउट उठेगा कि अगर इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो फिर रिजर्वेशन वाला कंसेप्ट क्यों आ गया, अगर इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं तो आप किसी पर्टिकुलर डिप्रेस सोसाइटी को क्यों रिजर्वेशन दे रहे हो। तो फिर वहाँ पर हम और चीज़ों को लिंक करेंगे, बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आए, इसके अलावा वहाँ पर फिर मंडल कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी थी वो हम उसका देखेंगे, बीपी मंडल जो कमीशन था। तो ये सारी चीजें हमारी यहाँ रहेंगी। उसके बाद फिर एबोल्यूशन ऑफ टाइटल, एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो कि एब्सोल्यूट राइट है। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट का खाली इतने तक सीमित नहीं रखेंगे कि फंडामेंटल राइट में ये जो हमारे राइट्स हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, इसके अलावा राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, हम ये भी देखेंगे कि नेचर क्या है फंडामेंटल राइट्स का, क्या हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट हैं या फिर हम फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर हम जब आगे बढ़ेंगे आर्टिकल 19 जो कि सबसे ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बिलीफ, एसोसिएशन, मूवमेंट और ये सारी चीजें आती हैं, फिर हम देखेंगे कि जो हमारा प्रॉपर्टी वाला राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी हमारा फंडामेंटल राइट था, उसको क्यों चेंज किया गया। उसके बाद जो भी इसके अंदर प्रोग्रेसिव डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने लिया काफी इवॉल्व करा इस फंडामेंटल राइट्स को, वो देखेंगे। फिर आर्टिकल 20 आएगा जहाँ पे प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन फॉर ऑफेंस जो हम करते हैं, तो वहाँ एक्सपोस्ट फैक्टो वो चीज़ देखेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे उसमें कि हमारे को दोबारा जजमेंट ना मिले, डबल जियोपार्डी ना हो। फिर वहीं पर हमारा जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ जो है, ये कंसेप्ट जो है काफ़ी कंफ्यूजिंग है, उसको समझेंगे। फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 21 जो कि सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन किया है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, उसको देखेंगे। उसमें कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं उनको हम देखेंगे, राइट टू प्राइवेसी वाला जो कि 2017 में काफ़ी न्यूज़ में रहा और उसके अंदर मतलब प्रोग्रेसिव जजमेंट के साथ जुडिशरी ने उस पर डिसीजंस लिए। फिर आगे बढ़ते हुए आर्टिकल 22, 23, 24 इस तरीके से हम बढ़ेंगे, राइट टू रिलीजन, रिलीजन में फिर हमारे आ जाते हैं प्रोपोगेट हम कर सकते हैं, राइट टू कंसाइंस, राइट टू प्रैक्टिस, इनको और एलोबरेट करके समझेंगे। फिर कल्चरल एजुकेशनल राइट्स, माइनॉरिटीज़ के लिए क्या राइट्स हैं, वो अपना किस तरीके से एजुकेशन इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्या एजुकेशन इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश करना सिर्फ माइनॉरिटी का हक है या फिर मेजॉरिटी में जो इंडिया में पॉपुलेशन है वो भी हक, उसका भी हक है क्या वो भी अपना कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या फिर कुछ एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इस्टेब्लिश कर सकते हैं। फिर इस सबको ध्यान में रखते हुए जब हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स हो गए, फिर हम देखते हैं आर्टिकल 32 जो आता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी का, जहाँ पे 5 राइट्स का बेसिकली डिस्कशन होता है और बताते हैं कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स को हार्म हुई है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं।
तो उसमें देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कौन कौन से रिट जो है वो इश्यू कर सकता है, और किस तरह से जो प्रेरोगेटिव रिट्स यूके में फॉलो होती थी उनको हमने यहाँ पर अपने इंडियन इंडियन कंटेक्स्ट में उनको रिट्स के नाम पे दिया गया, क्यों वो प्रेरोगेटिव रिट्स कही जाती थी। तो फिर ये हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, क्यो वारंटो, सर्टियोरेरी, ये सारी रिट्सों के हम डिस्कशन देखेंगे। फिर हमारा जो एक एनालिसिस वाला पोर्शन स्टार्ट होगा वो होगा डीपीएसपी का। डीपीएसपी यानी डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डीपीएसपी हम लोगों के लिए क्यों रिक्वायरमेंट है, गवर्नमेंट के दिमाग में क्या चीज़ रहती है जिसके पीछे वो एक पॉलिसी बनाता है, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए कुछ डिसीजंस लेते हैं जो गवर्नमेंट, जो चाहे स्टेट की हो या फिर सेंटर की हो। फिर उसके बाद दोनों का डिफरेंस देखेंगे, मतलब कि फंडामेंटल राइट्स में और डीपीएसपी में क्या डिफरेंस है, और फंडामेंटल राइट्स जो है क्या वो लीगली इन्फोर्सिबल है या फिर डीपीएसपी है वो लीगली इन्फोर्सिबल है। तो ये सारा डिस्कशन रहेगा उसमें। आर्टिकल 39B, 39C का मतलब जो बताया गया है डीपीएसपी में कि हमारी जो वेल्थ है वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के पास मतलब नहीं रहनी चाहिए, जो पीपल का है सब लोगों को डिवाइड करनी चाहिए एक वेल्थ। तो ये 39B, 39C का कंसेप्ट है। सोशलिज्म वाला जो कंसेप्ट है वो इस्टेब्लिश करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे जो लिबरल इंटेलेक्चुअल, गांधीयन, ये जो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे हमने सेग्रीगेट किया हुआ है डीपीएसपी को, उनको भी देखेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि क्या जो डीपीएसपी होता है उसको तुरंत इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए, या फिर जो डीपीएसपी में कई सारे ऐसे प्रावधान दे रखे हैं जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो वो अभी तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया, उसके ऊपर क्यों लॉ नहीं बना। तो उसके जो समय के साथ जो बदलाव आ रहा है हमारी सोसाइटी में उससे रिलेटेड उसको थोड़ा इंटरप्रिटेशन होगा, तो एनालिसिस बेस्ड रहेगा। फिर फंडामेंटल ड्यूटीज आएंगी, आर्टिकल हमारा 51A जो है। फिर इसके बाद फिर हमारा एक जो कंसेप्ट था प्रीएम्बल वाला उसको देखेंगे, तो स्टार्टिंग में ही देखेंगे प्रीएम्बल वाला। प्रीएम्बल में हम वहाँ देखेंगे जो टर्मिनोलॉजीज हमने यूज़ करी है प्रीएम्बल के अंदर, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोलमनी रिजॉल्व दैट सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये सारी चीज़ें जो हैं इन सबों को एक एक करके समझेंगे, एक एक टर्म को एनालिसिस करते हुए, केस स्टडी करते हुए कि रिपब्लिक का मतलब क्या है और सोवरेन जो है उसका मतलब क्या है, क्या अगर यूएन हमारे ऊपर कुछ हम लोगों को सेंक्शन देता है, हम या फिर यूएसए कहीं सेंक्शन लगाता है तो बाकी देशों पर उसका प्रभाव पड़ता है, तो क्या वाकई में जो देश है वो सॉवरेन है, या फिर वाकई में हम जो ट्रीटीज का पालन करते हैं तो क्या हम अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर एनालिसिस रहेगी। तो इस तरह से जो हमारा टॉपिक है वो मींस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से इवॉल्व होता रहेगा। फिर जब हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज हो जाएगा फिर हम यूनियन एग्जीक्यूटिव की तरफ बढ़ेंगे। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में हम देखेंगे प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आएंगे, तो इन सब इन चीज़ों कैग है वो आएगा, तो इन सब चीज़ों को हम देखेंगे उसमें। फिर प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट का कैसे इलेक्शन होता है, उसका इलेक्टोरल कॉलेज जो होता है वो क्या है, प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर क्या है, एग्जीक्यूटिव पावर क्या है, मिलिट्री पावर क्या है, डिस्क्रिशनरी पावर क्या है। फिर वाकई में एक एनालिसिस वाला पोर्शन आएगा कि प्रेसिडेंट जो है वो वाकई में जो उसका ऑफिस है वो कठपुतली की तरह है या फिर वो वाकई में कुछ काम करता है। तो उसके बीच में फिर हम एनालिसिस करते हुए देखेंगे कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो राम जवाया वीएस एससी कूपर केस था उसमें क्या जजमेंट दिया था, और क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो वाकई में प्रेसिडेंट की एक्चुअल पोजीशन को बताता है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, उनका क्या पर्सपेक्टिव था प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए, या फिर वाकई में प्रेसिडेंट जो है वो कितना एक्चुअली वर्क करता है। तो ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट के रिलेटेड रहेंगी, और फिर प्रेसिडेंट की किस तरह से गवर्नर अपॉइंट करता है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करता है, फिर प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट किस तरह से हो सकता है आर्टिकल 61 में जो बताया है, पूरा प्रोसीजर को समझेंगे। फिर उसके बाद यूनियन एग्जीक्यूटिव में हमारा वाइस प्रेसिडेंट आएगा, वाइस प्रेसिडेंट इज एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उसके सारे रोल देखेंगे कि, और ये भी देखेंगे कि जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किस तरह से जब प्रेसिडेंट हमारा चले जाता है, प्रेसिडेंट अगर उसको रिजाइन करता है तो किस तरह से उस पोस्ट को मतलब क्या उस समय वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट बनता है या नहीं बनता, या फिर जब प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट को क्या सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। फिर कि वाइस प्रेसिडेंट को लोकसभा से रेजोल्यूशन पास करके रिमूव किया जा सकता है या फिर राज्यसभा ही खाली उसको रिमूव कर सकती है, तो ये सारी चीज़ें वाइस प्रेसिडेंट की लेंगे। फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को समझेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, कैबिनेट क्या होता है, उसके रिलेशन में हम देखेंगे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, कि वाकई में प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो लीडर होता है या फिर प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो द वन पर्सन अमंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फिर प्राइम मिनिस्टर के रोल्स जो हैं, उसकी अथॉरिटी जो है, उसको कई पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि उसका कि स्टेटस क्या है उसका पार्टी में, और ये सारी चीज़ें उसमें आएंगी कि जितना ज़्यादा स्टेटस पार्टी में अच्छा होगा उतना अच्छा प्राइम मिनिस्टर की लोग बाकी बात मानेंगे, या फिर बाकी पार्टियों के बीच में उसका क्या मतलब रुतबा है उसके हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का रोल
निर्धारित होता है। तो ये सारी चीजें जो एनालिसिस वाली पोर्शन है वो हम देखेंगे। फिर इसी में हमारा आ जाएगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दो अलग अलग टर्म है। फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, तो ये सारी चीजें हम इसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ये सब इसके अंडर में आ रहा है, तो ये सब यूनियन एग्जीक्यूटिव में होगा। फिर अटर्नी जनरल, कैग, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस तरह से कैग जो होता है हमारी, वो पहले कंट्रोल ऑडिटर जनरल था पर अब सिर्फ ऑडिटर जनरल रह गया है वो, और क्या जो उसकी सैलरी है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से आती है या फिर उसको रेमुनरेशन दिया जाता है उसके काम के लिए, या फिर जो हमारा अटर्नी जनरल है वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है पर जो उसके साथ सॉलिसिटर जनरल या एडिशनल सॉलिसिटर जनरल है क्या वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। तो ये सब एनालिसिस वाले पोर्शन हम इनमें देखेंगे। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे यूनियन एग्जीक्यूटिव को कंपेयर करेंगे स्टेट एग्जीक्यूटिव से, तो वहाँ चीफ मिनिस्टर आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा। जब हम गवर्नर को पढ़ेंगे तो रोल ऑफ गवर्नर देखेंगे कि क्या गवर्नर जो होता है वो वाकई में वर्क करता है, तो उसके रिलेटेड फिर पंची कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो देखेंगे क्या रोल ऑफ गवर्नर और सेंटर और उसका क्या रिलेशन है। फिर एसआर बोमई केस 1994 में जो हुआ था उसकी सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट थी वो सब उसमें कवर हो जाएंगी। ये सब कवर होने के बाद हमारा सेंटर एग्जीक्यूटिव हो जाएगा और स्टेट एग्जीक्यूटिव। फिर हम सेंटर स्टेट रिलेशन को भी देखेंगे, उसमें देखेंगे कि किस तरह से हमारा जो सरकारी कमीशन थी उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी। फिर यहाँ पर ही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, ये सारी चीजें जो फिस्कल फेडरलिज्म ये इवॉल्व होंगी जो कि मेंस के पर्सपेक्टिव से हैं। जब हमारा सेंटर हो गया, यूनियन हो गया, फिर यूनियन टेरिटरी को देखेंगे कि यूनियन टेरिटरी जो बनाई जाती है उनके पीछे क्या रीजन था, क्या पॉलिटिकल कारण था, एडमिनिस्ट्रेटिव कारण था, या स्ट्रेटेजिक रीजन था, या कल्चरल कोई रीजन थे जिसके हिसाब से जो ये यूनियन टेरिटरीज बनाई गई हैं। फिर जब ये होगा फिर हम जब एक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश कर रहे हैं तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करने के लिए कुछ इलेक्शन का प्रोसीजर होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन होनी चाहिए। उसको फिर हम इलेक्शन कमीशन को देखेंगे किस तरीके से इलेक्शन होने चाहिए। कई तरह के इलेक्शन होते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट, बैलेट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इन सारे चीज़ों को एलोबरेट करेंगे। ये सारे जो पीआर सिस्टम है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन प्रेसिडेंट इलेक्शन में भी आएगा, तो वहाँ को हम यहाँ पर समझेंगे। फिर उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म क्या क्या होने चाहिए, ये सारी चीज़ें फिर हमारी आगे हमारी लाइमलाइट में आएंगी। फिर उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, उसमें क्या क्या मतलब बदलाव हुए हैं, और उसके अलावा क्या क्या रिकमेंडेशंस हुई हैं, क्या क्या कमेटीज़ के ऊपर अपॉइंट करी गई है जो कि उसके फंक्शंस को इलेक्टोरल रिफॉर्म को शामिल कर सके। तो ये सारी चीज़ देखते हुए फिर हम इंटरिम गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, ये सारे कंसेप्ट, सिंगल गवर्नमेंट या फिर सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम, ये सारे जो कंसेप्ट हैं ये देखेंगे। फिर गवर्नमेंट देखेंगे, पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट, केयर टेकर गवर्नमेंट क्या होती है, तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं, किचन कैबिनेट क्या होता है, ये सारे इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। फिर लोकसभा राज्यसभा का आएगा, राज्यसभा का रोल क्या है, क्या राज्यसभा जो है वाकई में फेडरल फीचर को एस्टेब्लिश करती है या फिर जो राज्यसभा है वो फेडरल फीचर को एस्टेब्लिश नहीं करती है। फिर इसके जब इलेक्शन होते हैं एमपीज और एमएलएज चुने जाते हैं, अगर वो कुछ गलत करते हैं तो किस तरह से वो डिस्क्वालीफाई होते हैं, तो उनके रिलेशन में फिर एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसको देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा एस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर ये तो हमारा यूनियन और सेंट्रल स्टेट लेवल पर हो गया। फिर हम लोकल लेवल पर आएंगे, पंचायती राज सिस्टम, ठीक है, किस तरह से बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी, जीवीके राव कमेटी, ये सारी इस्टेब्लिश करी गई और इन्होंने अपने अपने प्रपोजल्स दिए। और किस तरीके से हमारा जो थ्री टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो लोकल लेवल पे फॉलो होता है पंचायत का, और वही अर्बन लेवल पर वो थ्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट नहीं होता, थ्री लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जैसे कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनिसिपल काउंसिल ऑफ नगर पंचायत, तो ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ सब कवर हो जाएंगी। इसके बाद फिर रेगुलेटरी बॉडीज़ आती हैं जो अच्छी तरह से हमको रेगुलेट करती हैं, जैसे रेरा हो गया, ठीक है, इसके अलावा नीति आयोग भी, रेरा के अलावा फिर सेबी हो गया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सब रेगुलेटरी बॉडीज़ हो गई। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जो हैं उनको देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ जैसे यूपीएससी हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, ऐसे कई सारी होंगी। फिर हमारी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ और उनका देखेंगे किस तरह से सीबीआई जो है, सीबीसी जो है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ये सारी चीज़ें हमारी ना इस पूरे कोर्स में इंक्लूड होने वाली हैं। तो ये पूरा हमारा पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का जो लगभग जिस्ट था मैंने सारा आपको सिलेबस का बताया, ये सारा ब्रॉडली हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी GS2 वाला पोर्शन जो है वो कवर करता है। तो इस सिलेबस में, इस वाले जो पूरा जो वीडियोस का सीरीज रहने वाला है, इसमें मैं पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन आपको पूरी तरीके से कवर करूंगा पॉइंट टू पॉइंट। कोई भी आपको क्वेरी जो होगी वो रहनी जाएगी, अगर स्टिल आपको कोई क्वेरी, कोई डाउट रहता है, कोई एनालिसिस रहती है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो वीडियो के नीचे। इसके अलावा आप trans IAS academy का जो फेसबुक पेज है उसको लाइक कर सकते हो, वहाँ पे कमेंट कर सकते हो, वहाँ पूछ सकते हो अपना डाउट, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है trans IAS academy, उसमें जाकर आप अपने वहाँ पर जो हमारे नोट्स होंगे वो अवेलेबल कर सकते हो।
ठीक है। इसके अलावा आप हम मेल भी कर सकते हो trainsiasacademy@gmail.com पर। इस तरह से आपकी जो सारी जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगी, और इसके अलावा कुछ क्वेरीज रहती हैं तो फिर मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और सारी जो क्वेरीज हैं उनको मतलब एड्रेस करूंगा, ठीक है। तो बेसिकली जितना पोर्शन था GS2 का उसमें पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला, वो सारा मैं इस वाले सीरीज में कवर करूंगा। उसके बाद हमारा पोर्शन रहेगा वो होगा हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, उसके बाद हम करेंगे सोशल जस्टिस, और फिर जब सब कुछ हो जाएगा फिर गवर्नेंस वाला पोर्शन जो कि पूरा एनालिसिस वाला है उसको भी मैं कवर करूंगा GS2 में, ठीक है। तो वो मतलब आशा करता हूँ कि शायद जितना मैंने प्रयास किया पूरा अपना सिलेबस को GS2 पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन वाला उसको डाइसेक्ट करने का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अब आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी कई सारे लेसन्स ऑलरेडी बना चुका हूँ और आगे बनते रहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन और इस सबसे रिलेटेड। तो फिर अब स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को फ्रेंड्स। सो थैंक यू, होप आप इसको लाइक करेंगे। धन्यवाद।